कोरोना वायरस की वजह से बना सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के डर ने बनाया एक व्यक्ति को हैवा, दुकानदार को पीट पीट कर कर दी हत्या। कोरोना वायरस के चलते सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन झारखंड में एक दुकानदार को एक व्यक्ति को ऐसा करना भारी पड़ा, उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। बताया जा रहा है कि पलामू जिले में कोरोना संक्रमित एक शख्स के घर से निकलने पर 50 साल के एक दुकानदार के साथ विवाद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने दुकानदार की पीट पीट कर हत्या कर दी। ये घटना मंगलवार की शाम हुई। इस घटना में दो अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद देश में शायद ये पहला मामला है जब सोशल डिस्टेंसिंग के विवाद में किसी की जान गई है। पलामू के एसपी अजय लिंडा ने बुधवार को बताया कि हैदराबाद और बेंगलुरु से रविवार को अपने गांव चक उदयपुर लौटे चार मजदूरों राजन साव, आशीष साव, छोटू साव व विक्की साव की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच पाटन प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रही है। उन्हें 14 दिन तक अपने घर में क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वो मंगलवार की शाम गांव में घूमते हुए काशी साव की दुकान पर पहुंच गए। काशी ने उन्हें कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए गांव में घूमने से मना किया। इस पर चारों भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में काशी साव बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मारपीट में घायल काशी के बेटे राकेश को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। SP ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।